चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकालता है का, इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो चुका है, विधिक परिदृश्य भी बहुत पहले खत्म कर चुका था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी, आर्थिक परिदृश्य भी, वैज्ञानिक परिदृश्य भी, उत्तर प्रदेश की घटनाएं जो भी 19-20 की रही हैं उन्हें भी हम लोग देख चुके थे। संक्षिप्तियों में हम लोग बात कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, लास्ट में क्या देखा था, पुस्तकों के बारे में, जो भी किताबें हैं उनके लेखक हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब एक लास्ट इसमें छोटा सा टॉपिक बचता है, विविध। ठीक है, इसी के साथ आपका संक्षिप्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ना 7 नए सर्किल संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कब? 26 अगस्त 2020 को। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ नए सर्किल के रूप में घोषित किए गए हैं। इन्हें याद रखिए। हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में परिवर्तित किया गया है। हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में परिवर्तित किया गया। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जारी किए गए। अब देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किलों की संख्या 36 है, हो गई है 36। उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। 17 अगस्त 2020 की बात है। उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे देश का पहला उत्तर प्रदेश राज्य है, जिन्होंने दावा अधिकरण का गठन किया है। फिर आप सुना होगा कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2020 को। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से आईडी। पर आपने देखा है कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह अभी घोषित हुआ है। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, ये 14 अगस्त 2020 को किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह के हरे रंग का वृत्ताकार परिधि में हाथी, झारखंड का लोक जीवन एवं संस्कृति, पलाश की फूल और केंद्र में अशोक स्तंभ चिन्हित है। प्रतीक चिन्ह के ऊपरी भाग में आप देखेंगे झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। फिर आपने सुना होगा एक नई खबर है, एरो सेकंड यानी कि एरो टू। इजराइल द्वारा एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये कब हुआ है? 12 अगस्त 2020 को। यह परीक्षण इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने किया है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, तो भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली के किशनगंज और त्रिपुरा के जिरानिया के मध्य पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त 2020 को। तो इन दो याद रखिए, दिल्ली के जो किशनगंज और त्रिपुरा के जिरानिया के बीच हुआ है। ठीक है, इन दोनों स्टेशनों को जरूर याद रखिए, डायरेक्ट पूछ सकता है। पर आप देखेंगे स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक, कोविड-19 महामारी के प्रसार से निपटने हेतु मध्य रेलवे की मुंबई डिवीजन द्वारा डिजाइन किया गया यह रोबोट बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल बाईकुला भायखला मुंबई को सौंपा गया है। 31 जुलाई 2020 की बात है। यह मरीजों को दवा भोजन दे सकता है तथा डॉक्टर और रोगी के बीच दो तरफा वीडियो संचार कर सकता है। तो आप काफी आप देखेंगे इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है रोबोट। ठीक है, 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर दिए जाने की हेतु मंजूरी दी गई अभी हाल ही में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जिसमें आपका जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के तहत पट्टे पर दिए जाने हेतु मंजूरी दी गई है 19 अगस्त 2020 को। जयपुर है, गुवाहाटी भी शामिल है, तिरुवनंतपुरम भी आपका इसमें शामिल है। परिचालन प्रबंधन और विकास हेतु इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष की अवधि के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया है। तो इतने भी याद रखना, अडानी इंटरप्राइजेज को दिया गया है। ठीक है, पर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये 8 अगस्त 2020 की बात है। पर आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल फिनटेक इवेंट फिनटेक कन्वर्जेंस
काउंसिल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है 23 जुलाई 2020 की बात है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि बॉम्बे फ्लाइंग के लिए क्लब नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। ये कब है? कब? 27 जुलाई 2020 की खबर है। हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला देश वाला चौथा देश है। चीन द्वारा हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करने के कारण विरोध में न्यूजीलैंड हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश बना है। ये 28 जुलाई 2020 की बात है। इससे पूर्व आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। अमेरिका ने भी हांगकांग का विशेष आर्थिक दर्जा समाप्त कर दिया है। पर आप देखें कि गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज, इंडिया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की एक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के रूप में पहला राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया है। 15 जून 2020 की खबर है। फिर आप देखेंगे रोबोट कैप्टन अर्जुन, मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और उनके शरीर के तापमान का पता लगाने हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन को तैनात किया गया है। इससे क्या रहेगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, समझ रहे हैं आप लोग? किसी को कोरोना आए तो कम से कम जो स्टाफ होगा वो तो बच के रहेगा, समझ रहे हैं? पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है। 12 जून 2020 की खबर है। बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट, तो केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र आर के सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है 3 जून 2020 को। वास्तव में देश भर में विद्युत की तुरंत खरीद बिक्री वाला बाजार है, जो वितरण कंपनियों एवं निजी उपयोग के लिए ऊर्जा खरीदने वाले ग्राहकों को आपूर्ति से ठीक 1 घंटा पहले एक्सचेंज से विद्युत क्रय करने की सुविधा देता है। ठीक है, पर आपने देखा होगा कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, भारतीय रेलवे द्वारा डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया है जून 2020 में। विश्व में यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है जब डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में उच्च वर्धित ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन ऊंचाई कितनी है? 7.57 मीटर पर चलाई गई है। इस मालवाहक ट्रेन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को गुजरात के पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया। तो इन दोनों को याद रखिए, बीच में कहाँ किस किस के बीच चलाया गया, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। पर आप देखेंगे विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची जारी की गई है 2020 में। तो प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है, जून 2020 में जारी की गई। इस सूची में शामिल 3 हस्तियां प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर 590 मिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर, प्रसिद्ध अमेरिकी गायक एवं संगीतकार कान्ये वेस्ट 170 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और इसमें तीसरे नंबर पर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर 106.3 मिलियन डॉलर के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। सूची में शामिल एकमात्र भारतीय प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 52वें स्थान मिला है। इनकी संपत्ति कितनी बात की गई? 48.5 मिलियन डॉलर रही। ठीक है, तो अक्षय कुमार को 52वें नंबर पर रखा गया, 52 पर, 52वें नहीं, 52, 52। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता, भारतीय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन पीपीई किट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और वैसे भी आप जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में भी हम लोग चीन से, चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है। कई मामले में आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर हम लोग चीन के बाद। पर आपने देखा है विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है 2020 में। ये भी आपका प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है, 20 मई 2020 को जारी की गई है। उच्चतम भुगतान पाने वाले शीर्ष यानी कि टॉप 3 एथलीट की बात करें तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर 106.3 मिलियन डॉलर, पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर,
और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर। सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को शामिल किया गया है, इन्हें 66वें स्थान पर रखा गया है 26 मिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, तो विराट कोहली को 66वां स्थान दिया गया, एकमात्र भारतीय यही है शामिल किया गया है। फिर आपने सुना होगा कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया गया है। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन WAG-12 का परिचालन किया है। ये 18 मई 2020 की बात है। इस लोको इंजन को 60,027 नंबर के साथ WAG-12 नाम दिया गया है। बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में स्थित में निर्मित इस रेल इंजन का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से वरवाडी तक किया गया है। पूरे विश्व में पहली बार बड़ी लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का परिचालन हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। फिर आपने देखा एक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ये जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 13 मई 2020 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में आपके 115 देशों का शामिल किया गया है। और सूचकांक में अगर हम लोग टॉप 5 की बात करें तो स्वीडन पहले नंबर पर, स्विट्जरलैंड दूसरे, फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा और नॉर्वे को पांचवा मिला है। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो 74वें स्थान पर रखा गया है। हमारे भारत को 74वें स्थान पर रखा गया है। तो इसमें यही पूछ लेता है कि कौन जारी करता है, किसे टॉप मिला है, भारत की स्थिति क्या है और इसमें किसने नए देशों को शामिल किया गया है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चीन द्वारा दक्षिणी चीन के प्रांत हेनान स्थित वेन चांग स्पेस लॉन्च सेक्टर से एक रॉकेट लॉन्च मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये 5 मई 2020 की घटना है। यह इस रॉकेट की पहली उड़ान थी। यह रॉकेट विशेष रूप से चीन के मानव युक्त अंतरिक्षयान कार्यक्रम के लिए बनाया गया, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। फिर आप देखेंगे पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक फेलुदा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा COVID-19 संक्रमण के परीक्षण हेतु कम लागत वाली भारत की पहली पेपर स्ट्रिप तकनीक फेलुदा विकसित की गई है मई 2020 में। मई 2020 में पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित की गई है। ठीक है, एलिसा आपको मालूम होगा कि एलिसा जो टेस्ट होता है इसमें एड्स के लिए भी होता है। ठीक है, टीबी के लिए भी ये होता है। मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर की टेराकोटा और अन्य को GI टैग दिया गया है। तो आप देखते हैं GI टैग से भी काफी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मणिपुर के काले चावल चखाऊ, गोरखपुर टेराकोटा और कोविल पट्टी की कब्द लई मितेई को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। 30 अप्रैल 2020 को हुआ। देश की पहली COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई देश की पहली COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया 23 अप्रैल 2020 की बात है। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी है। ठीक है, पर आप देखेंगे दापोरिजो पुल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबनसिरी नदी पर बनाया सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। ये 20 अप्रैल 2020 की बात है। यह पुल भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा की दिशा में एक रणनीतिक कड़ी है, जिसने राशन निर्माण संबंधी सामग्री और दवाएं इत्यादि भेजी जाती है। देख रहे हैं आप लोग कि चाइना भी काफी यहाँ अपनी परियोजनाएं चला रहा है, सड़क बना चुका है, तो भारत को भी लगता है कि हमें भी बना लेना चाहिए। फिर आप देखेंगे डिजिटल स्टेथोस्कोप। भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान IIT बॉम्बे की एक टीम द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयोनिक विकसित किया गया अप्रैल 2020 में। यह डिजिटल स्टेथोस्कोप कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा।
विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो हवाई स्थित पोहोनू ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व इसके पास स्थित माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था। ठीक है, अब याद रखिए आपका पोहोनू ज्वालामुखी है। भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यह पोर्टल बेंगलोर कर्नाटक में लॉन्च किया गया 28 जनवरी 2020 को। इस पोर्टल के माध्यम से पहली बार पूरे देश के लिए 1:10,000 के पैमाने पर आधारित एक विषयगत डेटाबेस उपलब्ध होगा जो एकीकृत उच्च रेजुलेशन उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा। 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन सा रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा संविधान शब्द वर्ष 2000 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया गया। संविधान, समझ रहे हैं? 28 जनवरी 2020 को ये बात हुई। 2018 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द था नारी। ठीक है, 2018 के लिए नारी और 2019 के लिए ये संविधान। विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का, स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया गया है। 23 जनवरी 2020 की बात है। इस सिक्के का व्यास की बात करें तो 2.96 मिलीमीटर यानी कि 0.21 इंच और वजन की बात करें तो 0.063 ग्राम, 1 औंस का 1/500 भाग है। ठीक है, समझ रहे हैं? 1 में से 500 भाग निकालिए। इस सिक्के पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की आकृति उकेरी गई है यानी कि इन्हें भी दिखाया गया है एक तरह से। पर आपने सुना होगा जोग बनी विराटनगर में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने संयुक्त रूप से 21 जनवरी 2020 को किया है। ठीक है, नाइजर में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति महामदौ इसोफो द्वारा उद्घाटन किया गया 21 जनवरी 2020 की बात है। अफ्रीका में भारत द्वारा निर्मित पहला कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, अफ्रीका में। फिर आपने देखा होगा कि एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस नामक नई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। 13 जनवरी 2020 की बात है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा विकसित यह परियोजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। यह प्रणाली पहले 6 राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी क्योंकि इन राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के आधार पर तमिलनाडु को सड़क सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? तमिलनाडु को। ठीक है, पर आप देखेंगे ICGS एनी बेसेंट और अमृत कौर कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल में दो गश्ती पोत ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कौर को शामिल किया गया है 12 जनवरी 2020 को। ये पोत पांच पांच तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर की है। उक्त पोतों का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया है। प्रत्येक पोत की अधिकतम गति 34 नोट्स है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि 4 प्रमुख धरोहर भवन राष्ट्र को समर्पित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवन राष्ट्रपति राष्ट्र को समर्पित किए गए 11 जनवरी 2020 को। इन 4 प्रमुख धरोहर भवनों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलविडियर हाउस, मैडकॉक हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। इन चारों स्थानों को याद रखना। गतिशीलता भवन गतिशीलता वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा 2020 को गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 6 जनवरी 2020 को यह घोषणा हुई थी। 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं प्रधानमंत्री द्वारा बंगलोर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित हुई हैं 2 जनवरी 2020 को। ये प्रयोगशालाएं 5 शहरों बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में स्थित हैं। बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में। फिर आप देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। भारतीय रेलवे द्वारा यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। जनवरी 2020 की बात खबर है। कटरा बनियाल खंड में निर्माणाधीन पुल चेनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। कितना? 359
मीटर ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ठीक है, जानवरों के लिए भारत का पहला बॉर मेमोरियल, केंद्र सरकार द्वारा सीख ही मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित करने की घोषणा की गई है, जनवरी 2020 की खबर है। हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में दो देश शामिल, विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में दो देश मेडागास्कर और कोमोरोस को शामिल किया गया है, ये 26 दिसंबर 2019 को। आंध्र प्रदेश में पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन खोला गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा विशाखापट्टनम स्थित आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है 13 दिसंबर 2019 को। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज जापान की कवासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज सुईसो फ्रंटियर लॉन्च किया है, 11 दिसंबर 2019 की बात है। ठीक है, हाइड्रोजन को आप जानते हैं कि भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वर्ड ऑफ द ईयर 2019, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया गया है, ये 24 नवंबर 2019 की बात है। पर आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूसिव सिटीज सील एंड अवार्ड सूचकांक 2019, सूचकांक जारी किया गया है 21 अप्रैल 21 नवंबर 2019 को। पहली बार जारी इस सूचकांक में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड टॉप पर है, बेना ऑस्ट्रिया दूसरे पर, कॉपेनहेगन डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। इस सूचकांक में तीन भारतीय शहरों को शामिल किया गया, 83वें नंबर पर आपका बेंगलुरु, दिल्ली को 101वां स्थान मिला है, मुंबई को 107वां। तो भारत की मैं बात करें तो बेंगलुरु को आपका 83, यानी कि बेंगलोर की स्थिति ठीक रही इसमें, किसकी, बेंगलोर की। पर आपने देखा होगा कि अग्नि 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हुआ है, भारतीय सेवा के सशस्त्र बल कमान द्वारा उड़ीसा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 2 मिसाइल का पहला रात्रि परीक्षण संपन्न हुआ है, ये 16 नवंबर 2019 की बात है। द्विचरणीय अग्नि 2 मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और भार 17 टन है, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता आप देखेंगे 2000 किलोमीटर है, कितनी, 2000 किलोमीटर है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करती है, कहां से सतह पर। फिर तो आप देखेंगे दो नई आईटी पहले आईस डेस और अतिथि, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण साहब, आप जानते हैं वित्त मंत्री हमारी, द्वारा आयातित वस्तुओं की त्वरित कस्टम मंजूरी एवं बेहतर निगरानी एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने हेतु इन दो नई आईटी पहलों का शुभारंभ किया गया है 4 नवंबर 2019 को। आईस डेस्क भारत की सीमा शुल्क विभाग का एक डैशबोर्ड है जिसके माध्यम से कारोबार में सुगमता की निगरानी की जाती है। अतिथि ऐप की बात करें तो इस ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को हवाई अड्डों पर पूर्व दूर घोषणा के आधार पर बाधा रहित और टूरिस्ट कस्टम मंजूरी प्राप्त हो सकेगी। पर आप देखें कि कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज सिंगापुर स्थित एयर कार्बन पीटीआई ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है 30 अक्टूबर 2019 को। दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग एचपीसीएल कहते हैं, और विद्युत परिसंघ कंपनी पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त, ये 23 अक्टूबर 2019 की खबर है। इसके बाद देश में महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या की बात करें तो 10 हो चुकी है टोटल। पर आपने देखा होगा कि पहली बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, भारतीय रेलवे द्वारा परिचालित है 19 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच। इस ट्रेन से यात्रियों को भारत तथा नेपाल में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। यह ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी नेपाल, श्रावस्ती, आगरा की यात्रा करते हुए 26 अक्टूबर को सफदरजंग जंग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो इन सभी जगहों को याद रखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित हैं ये सभी जगह। पर आप देखेंगे इंटरपोल की 91वीं महासभा
चिली सेंटियागो में हुए 88वें महाधिवेशन के दौरान वर्ष 2022 में आज आयोजित होने वाली इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। तो याद रखना, 18 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा हुई है, और 91वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो 88वां महाधिवेशन कहाँ हुआ था? चिली सेंटियागो में। नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस काफी चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की इस पहली कॉरपोरेट ट्रेन यानी कि प्राइवेट ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 4 अक्टूबर 2019 की बात है। यह ट्रेन पूर्ण रूपेण IRCTC द्वारा संचालित है। IRCTC इस ट्रेन के 1 घंटे से अधिक विलंब होने पर 100 रुपये, 2 घंटे से अधिक विलंब होने पर 200 रुपये, 250 रुपये यात्रियों को मुआवजे के रूप में प्रदान करेगा। इस ट्रेन के यात्रियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा कवर, यात्रा अवधि के दौरान लूटपाट या चोरी होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ये अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको यात्रा में देरी हो रही तो उसका भी मुआवजा दिया जाएगा, अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो उसका भी मुआवजा, और आपके मतलब आप समझ रहे हैं, बीमा भी आपको दिया जाएगा। वैसे आप देख रहे हैं, वरना आप देखते हैं कि एक दिन पहले निकलिए दूसरे दिन पहुंच पाते हैं कई जगह आप लोग, तो ये अच्छी बात है। प्राइवेट ट्रेनों की या कोई भी बात हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, कोई भी व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन किराया या फिर आप वहां की सुविधा जो भी होती है वो महंगी होती है। इसीलिए आप विरोध भी किया जाता है कि हमारा भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि प्राइवेटेशन मतलब आप समझ सकते हैं कि हम उन्हें अफोर्ड कर सकें, खरीद सकें, समझ रहे हैं। फिर आपने एक विकास पोर्टल के बारे में भी सुना होगा। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह और प्रहलाद जोशी द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति में पारदर्शिता एवं बेहतर समन्वय हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। 3 अक्टूबर 2019 की बात है। प्रकाश पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मोनी पोर्टल NTPC द्वारा विकसित किया गया। पर आप देखेंगे, नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 3 अक्टूबर 2020 को 2019 को इस ट्रेन के कोच स्वदेश निर्मित हैं, जिसका निर्माण चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में किया गया। एयर रेलवे द्वारा परिचालित दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने इसके कांच भी तोड़ दिए थे, यूपी की बात है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं ना लेट, कि कोई बता रहा था ये नरेंद्र मोदी की ट्रेन है, कांच तोड़ दीजिए, पत्थर मारिए। अब उन्हें कौन समझाए? आप ही समझा सकते, मुझे लगता है आप लोग। चलिए खैर छोड़िए, देश का पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य, केंद्र सरकार द्वारा संचालित सौभाग्य योजना अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक घरों को बिजली प्रदान कर तेलंगाना देश का पूर्णतः विद्युतीकरण राज्य बन गया। कौन सा? तेलंगाना। अक्टूबर 2019 की बात है। आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 2014 में राज्य बनाया गया था ना, ठीक है। अब कुछ ये पॉइंट है आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं उसी से एक तरह से पॉइंट लिए गए हैं। 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य बंगाल की खाड़ी में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद नेवी का 11वां संस्करण संपन्न हुआ है, भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के मध्य। तो याद रखिए, अभ्यास जो इंद नेवी है एक किसके बीच होता है? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच। अगस्त 2020 में ताइवान ने अमेरिका से इन विमानों की खरीद हेतु समझौता किया है, ये 66F-16 जेट विमान को। 16 अगस्त 2020 को सीमा सड़क संगठन द्वारा 180 फीट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया है। ये आप देखेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जोल जीबी सेक्टर में, ठीक है। 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई धौलाकुआन सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित सुप्रीम कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है पोर्ट लुई मॉरिशस में। 24 जुलाई 2020 को महिंद्रा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज हैज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है। 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया है सृजन पोर्टल का।
14 अगस्त 2020 को भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर 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 किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा। सौर 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा ईमानदार करदाताओं के सम्मान हेतु लॉन्च किया गया है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म। 3 अगस्त 2020 की खबर है मोइला किला हरमल मिर्च और खाजे को GIT टैग प्रदान किया गया है। ये संबंधित हैं सभी गोवा से, ठीक है, आप लोग घूमने भी जाते होंगे गोवा। जुलाई 2020 में ISA फैमबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर करता 87वां देश कौन सा बना है? निकारागुआ गणराज्य। अगस्त 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों की संख्या कितनी है? 40.5 करोड़, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 11 जुलाई 2020 को देश भर में स्कूली छात्रों के लिए भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। 18 जून 2020 को ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है पुणे में, कहाँ? पुणे में। 12 जून 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए लॉन्च किया गया आरोग्य पथ पोर्टल। 5 जून 2020 को RBI द्वारा 500 करोड़ रुपए के इस कोष का सृजन किया गया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जून 2020 में उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान द्वारा आयुर्वेद उत्पादों को नैनोफायर पर आधारित नष्ट होने वाला बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित पति। जून 2020 में DRDO द्वारा विकसित सैनिटाइजिंग चैम्बर है जर्मी क्लीन। 14 मई 2020 को COVID-19 मामलों की जांच के लिए खरीदी गई मशीन जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित की है ये आपकी COVAS 6800। 12 मई 2020 को सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रूमाल को GI टैग प्रदान किया गया है ये दोनों क्रमशः झारखंड और तेलंगाना के, कहाँ के? झारखंड और तेलंगाना से। 7 मई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है आयुष संजीवनी ऐप। मई 2020 में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया गया छत्तीसगढ़ में। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था सन 2000 में। मई 2012 में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने इस बैंकिंग वायरस के संदर्भ में चेतावनी जारी की थी इवेंट बॉट के बारे में। 21 अप्रैल 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा COVID-19 से निपटने हेतु लॉन्च संवादात्मक प्लेटफॉर्म है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। 31 मार्च 2020 को लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु लॉन्च किया गया था स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल, ठीक है। 25 मार्च 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई पहले हैज स्टे होम इंडिया विद बुक्स। 14 फरवरी 2020 को देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की गई मुंबई एवं पुणे के मध्य। 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IUC। 7 जनवरी 2020 को विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम NTEP। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की गई है नई दिल्ली में। 18 दिसंबर 2019 को दूसरा भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय 2+2 संवाद आयोजित की गई है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। 11 दिसंबर 2019 को नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस को नया प्रस्तावित नाम क्या है? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से पद, ठीक है। तो नई सरकारें बनती हैं तो यही तो होता है, नाम चेंजिंग की प्रक्रिया चलती है। 5 जून 2020 को 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने हेतु शुभारंभ किया गया है नगर वन शहरी वन कार्यक्रम का। मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निर्मित इस मार्ग का उद्घाटन किया है लिपू लेक धारचूला मार्ग। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों के परिवहन की सुविधा हेतु लॉन्च किया गया
किसान रथ मोबाइल लैब, किसान रथ मोबाइल लैब। विश्व के पहले स्थित एनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी भावनगर गुजरात में, विश्व के, समझ रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बांस प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है जम्मू कश्मीर व लद्दाख में। 29 अक्टूबर 2019 को वित्त मंत्री द्वारा 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती के अवसर पर। अक्टूबर 2019 में बंदरगाहों ने व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी ऑनलाइन मंच स्मार्ट पोर्ट पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। आपका आंध्र प्रदेश। किसका? आपका। तो इसके साथ आपका जो भी विधि परिदृश्य था विविध, इसे भी देख चुके हैं। इसके साथ देखिए, याद रखिए, आपका राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो चुका है, विधिक परिदृश्य भी खत्म हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी, आर्थिक परिदृश्य भी, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष, संक्षिप्तियां भी खत्म हो चुकी हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचता है खेल परिदृश्य। खेल के क्षेत्र में जो भी 2019-20 में आपकी घटनाएं घटी हुई है वही टॉपिक एक बचता है, बहुत छोटा है, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। इसे भी कल ही हम लोग कवर करवा देंगे बहुत जल्दी ही। तो इसके साथ फिर आपको पढ़ते रहिए, मुझे लगता है कि जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जीके जीएस और करंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बचता है? और कुछ नहीं बचता है, खत्म। अब बस आपको पेपर देना होगा, वो मैं नहीं दे सकता हूं, वरना वो भी मैं पूरी कर देता आपकी कसम, काश ऐसा होता, ठीक है। और काश ऐसा होता तो बताया आपसे कम नंबर आते मेरे, आप सभी लोगों से मेरे कम नंबर आते, इसलिए अपना अपना पेपर खुद देना है आपको, ठीक है। खेल के क्षेत्र में आपको लोगों को मालूम होगा कि वो ज्यादा घटनाएं 2020 में नहीं घटी, तो 2019 की घटनाओं पर विशेष जोर देकर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, तब तक इंतजार करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग।